कांग्रेस निकाय चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ने जा रही है और पूरे यूपी में एक ऐसी रणनीति बना रही है कि बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सके। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, जो आज यहाँ निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर करने आए थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, निकाय चुनाव है, बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है, तमाम पार्टियों को आप देख रहे हैं कि पूरी अपनी रणनीति अलग से बनाने में जुटे हुए हैं, किस तरीके से लड़ने जा रहे हैं, कितनी मजबूती से लड़ेगी कांग्रेस? देखिए, पहली मीटिंग थी, आज तमाम निर्देश दिए गए हैं कि भाई वोटर लिस्ट के नाम बढ़ रहे हैं उनको बढ़ाओ, जो वोटर जो लड़के लड़कियां 18 साल हो गए और वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनको वोटर लिस्ट में दाखिल करें, जो लड़कियों की शादियां हुई हैं वो आ गई हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको करें, कैंडिडेट ढूँढें। अभी चूँकि रिजर्वेशन का आउट नहीं हुआ है कि कौन सीट रिजर्व है कौन सीट जनरल है, तो कैंडिडेट भी फाइनल करने में हम लगे हुए। अच्छा, अभी हमने देखा एक बात आपने कही कि नेम प्लेट लगाने से, विजिटिंग कार्ड बनाने से इनसे काम नहीं करेगा, डोर टू डोर जाइए, जनता से मिलिए, यही एक काम है, तो मतलब इतना कार्यकर्ताओं को लगता है इसके पीछे भी एक रणनीति? देखिए, ऐसा है, पार्टी के जो निर्देश होते हैं वो बताए जाते हैं, फिर इसके बाद इसकी समीक्षा होगी, किसने अमल किया किसने नहीं अमल किया, तब फिर इसके बारे में हमको जवाब देंगे। अभी तो वो बताया गया है जो कार्यक्रम है, जो आपने कहा एक डायरी बनाइए कहाँ कहाँ जा रहे हैं उसकी डायरी की समीक्षा करेंगे, यानी हर कार्यकर्ता का कांग्रेस रिपोर्ट कार्ड रखेगी? रिपोर्ट कार्ड नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि जो पदाधिकारी हैं वो और जो पदाधिकारी हैं नहीं हैं वो किसका कितना योगदान है, रिपोर्ट कार्ड का इसमें सवाल नहीं है, समय चाहिए, कौन समय दे पाता है और समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, मेन चीज वो है। अच्छा, गोला गोकर्ण विधानसभा चुनाव के आपने नतीजे देखे, बीजेपी एक तरफ आ गई, समाजवादी पार्टी कहीं नहीं थी, अभी आपने एक बात कही है कि सपा को जितना वोट दिया अगर उसका आधा कांग्रेस को देते तो आपको लगता है कि कांग्रेस एक बेहतर विकल्प बीजेपी के सामने हो सकता? देखिए, कांग्रेस को मिलते तो उसके साथ साथ मुसलमान भर नहीं होता, बाकी और सारी बिरादियाँ होती, दूसरी पार्टियों को जाने में हिंदू मुस्लिम होता है और हम हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं। आप भाईचारा चाहते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में अगर कहा जाए, मतलब मुकाबला किससे मान के आप चल रहे हैं, चूंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी तो सिंबल पे लड़ेंगे, बसपा की अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है? अभी समाजवादी ने घोषणा नहीं की है कि हम सिंबल पे लड़ेंगे, घोषणा करने दीजिए फिर इसके बाद बताएंगे। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा चल रही है, यूपी क्यों नहीं आ रहे, इतना बड़ा सूबा है और लोग इंतजार कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ और कहा गया? भाई, अगर राहुल गांधी जी नहीं आएंगे, अभी पक्का नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं, अगर राहुल गांधी जी नहीं आते हैं तो प्रियंका गांधी जी रहेंगी, हर ब्लॉक में हम निकालने जा रहे हैं, तो एक नेता अगर 3600 किलोमीटर चल रहा है तो दूसरे और भी जो नेता हैं हमारे राष्ट्रीय नेता वो जाएंगे। रही बात उसकी, अगर मेरठ की बात करें, 90 नगर निगम के वार्ड हैं, नगर निगम भी यहाँ मेरठ में है, 90 वार्ड हैं, तो यहाँ किस तरीके से रहेगा, जैसे आप देख रहे हैं कि आज तो कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, बड़ा जोश नज़र आ रहा है? देखिए, जब तक ये रिजर्वेशन आउट नहीं होता है तब तक कुछ बता पाना बहुत मुश्किल है, बहुत सा समान कास्ट का कोई कार्यकर्ता है वो किसी वार्ड में लड़ना चाहता है और वो जो है दलित के लिए या फिर बैकवर्ड के लिए रिजर्व हो जाती है, महिला के लिए रिजर्व हो जाती है, तो फिर वो फिर नहीं लड़ेगा, तो ये देखना पड़ेगा जब ये रिजर्वेशन आ जाएगा, आउट हो जाएगा, तब फिर इसमें कुछ कह पाएंगे। एक आखिरी सवाल मेरे है कि उपचुनाव आ रहे हैं, मैनपुर की बात करें या रामपुर की भी बात करें, तो वहाँ पर जो उपचुनाव होने जा रहा है सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड? हमारी राष्ट्रीय महासचिव कल परसों में आ जाएंगी, वो हिमाचल में चुनाव लड़ा रही हैं, उनके आने के बाद इस पे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मजबूती से लड़ेंगे? बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, सीधा कह रहे हैं कि जो निकाय चुनाव हैं वो बेहद ही मजबूती से लड़ेंगे, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और कांग्रेस ही एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी का विकल्प ये हो सकती है, और बाकी जैसे जैसे आरक्षण होगा उसके बाद कांग्रेस अपनी तस्वीर पूरी तरीके से साफ करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनु शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।